आप सोच रहे होंगे कि पनीर से हर बार अलग अलग क्या रेसिपी बनाया जाए। अगर कोई गेस्ट आ रहा है तो हर बार लगता है ना कुछ डिफरेंट बनाए, लास्ट टाइम तो ये बनाया था, इस बार कुछ डिफरेंट बनाते हैं। तो लेके आ गई हूँ मैं पनीर लबाबदार की रेसिपी, बहुत ही टेस्टी लगता है, एकदम डिफरेंट टेस्ट है, जरूर बना के खाइए। चलिए देखते हैं क्या इसकी रेसिपी। उससे पहले रुकिए, रुक जाइए, मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी जरूर करिए। तो चलिए अब देखते हैं क्या है इसकी रेसिपी। मैं हूँ सीमा, चैनल की होस्ट। तो चलिए देखते हैं क्या चाहिए हमें इंग्रेडिएंट्स। तो सबसे पहले लिया मैंने 2 चॉप किए हुए टमाटर, 2 बड़े साइज़ के चॉप किए हुए, रफली चॉप किए हुए अनियंस, और 1 टीस्पून लिया है मैंने कश्मीरी लाल मिर्च, और 1/4 टीस्पून लिया है मैंने टर्मरिक पाउडर यानी कि हल्दी। नेक्स्ट लेंगे हम खरबूजे का बीज या फिर वाटरमेलन सीड्स, 1 तेज़पत्ता, काजू, और नेक्स्ट लिया है 3 लाल मिर्ची, अदरक, गार्लिक यानी कि लहसुन 5-6 कली है, ये लिया है मैंने ब्लैक पेपर 5-6 बॉल है, और दालचीनी लिया है 1 इंच, 2 लौंग, 3 इलायची। अगर कोई भी इंग्रेडिएंट्स आपको नहीं समझ में आए फ्रेंड्स, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। और हम लेंगे पनीर लबाबदार के लिए पनीर 1/2 kg, उसे मैंने इस शेप में कट कर लिया है, और उसके बाद लिया है मैंने प्याज, ये 2 प्याज है इसे मैंने इस तरीके से कट कर लिया है बड़े बड़े, और थोड़े से पनीर को मैंने अलग से रखा है ग्रेट करके ग्रेवी में डालने के लिए। नेक्स्ट लिया है मैंने शिमला मिर्च, कैप्सिकम, इसे मैंने छोटे छोटे चॉप करके लिया है, आप बड़े शेप में भी इसे कट करके ले सकते हैं इस तरीके से, तो देखने में बहुत अच्छा लगता है, पर छोटे छोटे भी ज़रूर कट करके डालिए, वो ग्रेवी में बहुत अच्छा लगता है। अब चलिए बनाना करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले लेंगे पैन, उसमें हम डालेंगे थोड़ा सा वेजिटेबल ऑयल, जैसे ही ऑयल गर्म हो जाए तो सबसे पहले डालिए तेज़पत्ता, इलायची, दालचीनी, और उसके बाद डाल देंगे हम ब्लैक पेपर और क्लोव, इन सबको हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे, जैसे ही ये चटकने लग जाए, क्रैक करने की आवाज़ आने लग जाए, इसमें हम डाल देंगे गार्लिक और जिंजर, अदरक लहसुन, इसे भी हम फ्यू सेकेंड सॉटे करने के बाद, फ्राई नहीं करना है, डीप फ्राई बिल्कुल भी नहीं करना है, थोड़ा सॉटे करने के बाद इसमें हम डाल देंगे रेड चिली। मिर्ची आप अपने स्वाद के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, मैंने मिर्ची थोड़ा कम डाला है। अब इसमें 2 रफली चॉप किए हुए अनियंस डाल करके हम इसे भी सॉटे कर लेंगे। फ्लेम फ्रेंड्स मीडियम ही रखिएगा, जैसे ही अनियंस थोड़े ट्रांसपेरेंट होने लग जाएंगे, इसमें हम काजू और मगज यानी कि वाटरमेलन सीड्स जो है वो डाल देंगे। इन सबको डाल करके चला करके हम थोड़ा फ्राई कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं करना है, बस 1 मिनट हो जाए बस उतना ही फ्राई करना है। 1 मिनट बाद हम इसमें डाल देंगे चॉप किए हुए 2 बड़े टमाटर। तो टमाटर डालने के बाद इसमें जो 2 मसाले थे, कश्मीरी लाल मिर्च और टर्मरिक पाउडर, इन सबको डाल करके अच्छे से मिला देंगे। और आप सभी को पता है कि टमाटर डालने के बाद सीमा हमेशा डालती है स्वाद अनुसार नमक, तो नमक डाल करके इसे अच्छे से मिला करके इसे हम ढक करके मीडियम फ्लेम पे 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। जब 5 मिनट हो जाएगा और टमाटर इस तरीके से मेल्ट हो जाएगा, तो अब इसमें हम डाल देंगे 1 कप पानी, और इसे अच्छे से मिला करके ढक करके 10 मिनट हम इसे बॉयल होने देंगे एकदम स्लो फ्लेम पे। तो देखिए 10 मिनट बाद कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। अब इसमें से जो दालचीनी डाला था, सिनेमन स्टिक्स और तेज़पत्ता, इसे हम निकाल देंगे। निकालने के बाद इसे एक बोल में डाल करके ठंडा कर लेंगे, जब ये ठंडा हो जाए तो ग्राइंडर में डाल करके एक स्मूथ पेस्ट हम तैयार कर लेंगे। तो ये एकदम ठंडा हो चुका है, अब इसमें मैं डाल दूंगी कोरिएंडर या फिर धनिया के डंठल, इससे स्वाद बहुत ही अच्छा आता है, तो ज़रूर डालिए, और इसमें बहुत अच्छा स्वाद होता है, जितना लीफ में होता है उससे ज़्यादा डंठल में होता है, तो ज़रूर डालिएगा। और इन सबको अब हम ग्राइंड कर लेंगे। अब हम पनीर को सॉटे करेंगे। सॉटे करने से पहले पनीर में हम डालेंगे थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर, थोड़ा डालेंगे, ये थोड़ा सा ज़्यादा था तो इसे मैं निकाल दे रही हूँ। और नेक्स्ट डालेंगे इसमें कश्मीरी लाल मिर्च और स्वाद अनुसार नमक। इन तीनों को डालने के बाद हम हाथ से आराम से मिलाएंगे, क्योंकि पनीर है बहुत सॉफ्ट होता है, तो हाथ से ही मिलाइए, अदरवाइज ये टूटने का डर होता है। तो इस तरीके से अच्छे से मिला लीजिए। उसके बाद चलिए
अब करते हैं इसे हम सॉटे। इसे मैं कर रही हूँ नॉन स्टिक पैन में सॉटे, तो बहुत ही कम ऑयल में आराम से ये फ्राई हो जाता है। तो ऑयल फ्रेंड्स हमेशा ट्राई करिए, यानी कि कोशिश करिए कि थोड़ा कम ही डालें, हमारे हेल्थ के लिए अच्छा है। तो ऑयल हो गया है गरम, तो इसमें मैं पनीर को डाल करके फ्राई कर लूँगी 2 मिनट। बस पनीर के ऊपर एक हार्ड सी कोटिंग हो बन जाए, बस उतना ही फ्राई करना है, क्योंकि ग्रेवी में जा करके पनीर एकदम मेल्ट ना हो जाए, बस उतना ही फ्राई करना है। इससे टेस्ट भी बहुत बढ़ जाता है, तो ज़रूर इस तरीके से आप कर लीजिए पनीर को फ्राई, डीप फ्राई नहीं करना है फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा। अब उसी पैन में हम 1/2 टीस्पून ऑयल डाल करके बड़े बड़े जो चॉप करके मैंने अनियंस लिया था और शिमला मिर्च मैंने बताया था, आप उसे भी इसी तरीके से चॉप करके ले सकते हैं, तो मैंने अभी ले लिया है। इसे भी हम 30 सेकेंड तक सॉटे कर लेंगे थोड़ा सा मिर्ची पाउडर डाल करके। मेरे पास फ्रेंड्स रेड शिमला मिर्च था, इसलिए मैंने रेड डाला है। आपके पास ग्रीन है तो आप ग्रीन ही डालिएगा, तो जो भी शिमला मिर्च आप डाल सकते हैं। तो इन्हें भी हम सॉटे कर लेंगे, मेल्ट होने बिल्कुल भी नहीं देंगे, बस 30 सेकेंड। जब सॉटे हो जाए तो हम इसे निकाल लेंगे। तड़का लगाने के लिए हमें क्या चाहिए इंग्रेडिएंट्स, तो चलिए देख लेते हैं। स्टार्टिंग में मैंने नहीं बताया था क्योंकि ये थोड़ा आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए अभी बता रही हूँ। 2 फाइन चॉप किए हुए प्याज है, 8-10 कली छोटे छोटे लहसुन कट किए हुए हैं और कसूरी मेथी रोस्टेड है, और 1 इंच लिया है मैंने बटर। नेक्स्ट लिया है मैंने 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून लिया है मैंने टर्मरिक पाउडर, 1 फाइन चॉप किए हुए टमाटर और क्रीम 4 टीस्पून चाहिए। अब फाइनल चलिए अब हम ग्रेवी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लेंगे हम कढ़ाई, उसमें हम डाल लेंगे थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल, और जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा सबसे पहले उसमें हम छौंक लगाएंगे जीरे का। 1/2 टीस्पून जीरा डाला है, जीरा जैसे ही गोल्डन होने लग जाए फ्रेंड्स, गोल्डन होना चाहिए ब्लैक नहीं, इसके बाद इसमें हम डाल देंगे गार्लिक। गार्लिक डाल करके अच्छे से हम इसे चलाते हुए फ्राई करेंगे। फ्यू सेकेंड बाद इसमें हम डाल देंगे हरी मिर्ची, 2 हरी मिर्ची मैंने डाला है चॉप करके, आप थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और जैसे मिर्ची थोड़ी सी गोल्डन होना स्टार्ट हो जाएगा, इसमें हम डाल देंगे फाइन चॉप किए हुए आनियंस। इसे डालने के बाद इसे हम चलाते हुए गोल्डन फ्राई कर लेंगे। जब ये इस तरीके से गोल्डन हो जाएगा, अब इसमें हम डाल देंगे ये 3 मसाले, धनिया मिर्ची हल्दी, इन सबको डाल करके 1 मिनट तक फ्राई करेंगे स्लो फ्लेम पे। मसाला बिल्कुल भी जलना नहीं चाहिए फ्रेंड्स, इस बात का ज़रूर से ध्यान रखिएगा, अगर जलने लगे तो फटाफट से थोड़ा पानी डाल दीजिए। तो मसाला हो गया है फ्राई, अब इसमें मैं डाल दूँगी टमाटर चॉप किए हुए। और टमाटर डालने के बाद सबको पता है, मुझे भी पता है कि डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, तो नमक ध्यान से डालिएगा फ्रेंड्स, हर स्टेज पे थोड़ा थोड़ा नमक हमने डाला है तो नमक थोड़ा कम ही डालिएगा। इसे डाल करके इसे ढक करके जब तक टमाटर मेल्ट नहीं हो जाता इसे हम भून लेंगे। तो देखिए जब इस तरीके से मसाले अच्छे से भुन जाए और ऑयल सेपरेट होने लग जाए, तो देखिए इस तरीके से जब हो जाए तो इसमें हम डाल देंगे फाइन चॉप किए हुए शिमला मिर्च। इसे डाल करके फ्यू सेकेंड तक हम इसे भून लेंगे, बहुत ज़्यादा देर तक नहीं भुनना है, बस ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए उतना ही देर तक। तो कुछ देर बाद आप इसमें जो हमने स्टार्टिंग में प्यूरी तैयार करके रखा था काजू प्याज टमाटर की, उसे हम इस तरीके से छन्नी से छान करके जो इसमें कुछ खड़े पार्टिकल्स होंगे उसे हम निकाल देंगे और इस क्रीमी सी ग्रेवी को डाल करके इसे अच्छे से हम मिला लेंगे। इसी स्टेज पे फ्रेंड अगर आपको लगे कि ग्रेवी बहुत गाढ़ा है तो आप पानी डाल लीजिए, गर्म पानी डालिएगा, मैंने 1/2 कप डाला है गर्म पानी। इसे अच्छे से मिलाने के बाद इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा 1/2 टीस्पून शुगर। इसे डाल करके अच्छे से मिलाने के बाद हम इसे चख लेंगे, टेस्ट करके देख लेते हैं क्या इसमें नमक चीनी मिर्ची सब एकदम परफेक्ट है कि नहीं। तो हाँ सब एकदम परफेक्ट है। तो अब जो हमने पनीर और अनियन शिमला मिर्च को सॉटे करके रखा था वो डाल करके इसे हम
मिला लेंगे। मिलाने के बाद फ्रेंड्स आपको याद होगा कि हमने थोड़े से पनीर अलग से रखे थे, उसे भी हम ग्रेट करके अभी हम डाल देंगे। इससे क्या होगा कि जो ग्रेवी है ना, ग्रेवी में भी पनीर का स्वाद जो है बहुत ही अच्छा आएगा। और है पनीर लबाबदार तो पनीर अच्छे से होना चाहिए। नेक्स्ट अब हम इसमें डाल देंगे क्रीम। मैंने डाला है 4 टीस्पून क्रीम। आप अपने स्वाद के हिसाब से थोड़ा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। रोस्ट किए हुए कसूरी मेथी को भी डाल करके 1 इंच हम डाल देंगे बटर। तो इन सबको डाल करके अच्छे से मिला करके रेडी है पनीर लबाबदार। बहुत ही रिच और डिलीशियस है। इसी तरीके से रेस्टोरेंट या होटल में बनाया जाता है। ये पनीर की बहुत ही स्वादिष्ट और डिफरेंट ग्रेवी है। जब स्पेशल कोई ओकेजन हो तो आप ज़रूर बना के खाइए। तो इसे हम करते हैं चलिए सर्व। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में हम करेंगे इसे सर्व। तो प्लेट में निकालने के बाद हम इसे सजा देंगे अच्छे से क्रीम से। इस तरीके से सजाने के बाद थोड़ा सा फाइनल टच देंगे हम कोरिएंडर लीफ का। तो रेडी है हमारा पनीर लबाबदार। इसी तरीके से सर्व किया जाता है रेस्टोरेंट में भी, और देख के तो मुँह में पानी आ ही रहा होगा, मुझे भी आ रहा है, मैं तो खा भी चुकी हूँ। आप भी इसी तरीके से बनाइए, खाइए। और मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी जरूर करें।